तो गाइस हमको पता है कि बहुत सारी एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद भी आपके सब्सक्राइबर आप हो जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा निराश होते हैं। लेकिन जब मैंने इस एप्लीकेशन के बारे में सुना और इस एप्लीकेशन को यूज़ किया तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद नहीं घट रहे थे। कसम से वीडियो को फेक समझ के भाग मत जाना, क्योंकि जब आपको भी पता चलेगा तो आप भी विश्वास नहीं करोगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, लेकिन इस एप्लीकेशन के बारे में एक बार देख तो लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं आप इस ट्रिक के बारे में नहीं जान पाओगे। फिर बाद को कमेंट करोगे कि भाई मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद गाइस अब आपको सिंपली यहाँ पर एक एप्लीकेशन को फाइंड करना है और उस एप्लीकेशन का नाम है यू टैग। इन टाइप करने के बाद सिंपली आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद गाइस अब आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी, तो आपको इसमें ऐसी कौन सी एप्लीकेशन को चूज़ करना है जिससे कि आपको बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइबर मिलेंगे। जानने के लिए वीडियो में तक बने रहो। और हाँ गाइस, आपको उस एप्लीकेशन में कुछ ऐसी सेटिंग करना है जिससे कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बंदे सेटिंग नहीं कर पाते हैं, फिर कभी भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा पाते हैं, तो आपको उस सेटिंग के बारे में जानना है। तो गाइस उस एप्लीकेशन का नाम है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही होगी चौथे नंबर पर यू टैग, तो सिंपली इस पर टाइप कर लेना है। इस पर टाइप करने के बाद सिंपली आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं भी बहुत दिन से इस एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूँ और मेरे सब्सक्राइबर कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। अब गाइस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत से बंदे जो होते क्या हैं उस एप्लीकेशन का नाम जान जाते हैं और फिर वीडियो को स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको दो तीन सेटिंग इस एप्लीकेशन में करना है जिससे कि आपको बिल्कुल एक्टिव सब्सक्राइबर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं बताता हूँ, मैं भी इस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। इतना करने के बाद सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस अब आपके सामने ये एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से ओपन होने लगेगी, तो गाइस आपको कुछ देर वेट करना है। तो गाइस अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से इस एप्लीकेशन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो गाइस अब आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली यहाँ पर काफी दिख रहा होगा स्टार्ट हेयर का, तो उसमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा सजेस्ट टैग का और गेट थंबनेल का, यानी कि आप यहाँ से थंबनेल भी जो है सिंपली चूज कर सकते हैं। लेकिन आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको अपनी वीडियो का टाइटल डाल देना है, तो सिंपली मैं डाल देता हूँ, आपको भी डाल देना है। आप जिस भी कैटेगरी की वीडियो बनाते हैं तो सिंपली आपको डाल देना है। डालने के बाद सिंपली अब आपको करना क्या होगा, आपको सजेस्ट टैग पर क्लिक कर देना है। अब भाई जो मेन ट्रिक है यहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं आप उस ट्रिक के बारे में नहीं जान पाओगे या फिर उस सेटिंग के बारे में नहीं जान पाओगे। फिर आपको कमेंट करोगे कि भाई मेरे वैसा नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ देर वेट करना है, कुछ देर लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद आपको सिंपली मैं मिलता हूँ। चैनल ग्रो होने के साथ साथ आपके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर भी आने लगेंगे और आपका वॉच टाइम भी कमेंट होने लगेगा। तो गाइस अब आपको सिंपली इन कीवर्ड को अपनी वीडियो के टैग में या फिर डिस्क्रिप्शन में लगाना है। मैं भी इस ट्रिक को फॉलो कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। इस ट्रिक को बहुत सारे यूट्यूबर भी जो है फॉलो कर रहे हैं, तो सिंपली मैंने आपको बता दिया कि आपको इस ट्रिक को कैसे करना है, आपको कैसे अपनी वीडियो को ग्रो करना है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सामने चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकन पर प्रेस कर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाली हर किसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।